हाय फ्रेंड नमस्ते, मैं तो अशोक राज। आज हम लोग को क्या डिस्कस करने लग जा रहा हूँ, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मतलब क्या है, मतलब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मतलब क्या है, वो तो कंपनी है। मतलब मैं तो हम लोग को पहले तो बोला जो ये कंपनी, एक छोटा कंपनी जो डाटा सेंटर जो रन करते होता है बोल के मान लीजिए, उसी में उसको जो रन करने के लिए उसको उसको लगता है कि हम लोग रन करने के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, हम लोग को तो दूसरा जो कॉन्ट्रैक्टर को तो देना चाहिए बोल के जो सोच रहा है ना, जो दूसरा जो कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है वही क्या है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ये तो कंपनी है, उसी में क्या है जो क्लाउड कंप्यूटिंग कॉम्पोनेंट लाइक तीन कॉम्पोनेंट रहता है वो सब कुछ हम लोग को क्या है ऑफर करता है वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, तो हम लोग को ऑफर करता है। ये क्या है IaaS मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, सेकेंड क्या है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस PaaS, हम लोग को शॉर्ट में हम लोग को बोलते हैं PaaS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, एंड SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। वो तीन कॉम्पोनेंट क्या है जो क्लाउड कंप्यूटिंग कॉम्पोनेंट है ये। ठीक है, वो सब कुछ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, ये तीन कॉम्पोनेंट को हम लोग को दे देता है। उसके बारे में हम लोग अलग अलग वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो में हम लोग को क्या है टॉप क्लाउड सर्विसिंग कंपनी क्या बोल के हम लोग को लिस्ट आउट करेंगे। ये क्या है AWS अमेजॉन वेब सर्विस, ओके। सेकेंड क्या है जो गूगल क्लाउड, ओके। थर्ड क्या है माइक्रोसॉफ्ट आशू। ये तीन कंपनी है ना, एक कंपनी पहले फर्स्ट आ जाएगा फिर दूसरा सेकंड, ये तीनों को बहुत कंपटीशन है। एक बार गूगल क्लाउड फर्स्ट आ जाएगा, नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट अश्योर आ जाएगा, फिर अमेज़न वेब सर्विस आएगा, ऐसा ये लोग को कॉम्पिटिशन होते रहता है। फिर दूसरा तो प्लेस में क्या है IBM क्लाउड है, नॉट IBMS IBM क्लाउड है। फिर ऑरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। वो ये पांच जना वो बेस्ट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड अराउंड द वर्ल्ड, नॉट एट ऑल द इंडिया, जो क्या है वर्ल्ड में ये पांच ये बहुत पॉपुलर है बहुत क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में। इसका छोड़ के हंडा नंबर्स का जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का कंपनी है उसके बारे में हम लोग को दूसरा वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों को कुछ आइडिया आया होगा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी मतलब क्या है, वो क्या है हम लोग को डाटा जो स्टोर करने के लिए, मतलब आप मान लीजिए आप ड्रॉपबॉक्स यूज किया होगा एप्लीकेशन, फिर जो गूगल का ड्राइव है ना वो, फिर फेसबुक, सब कुछ क्या है जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनी है ना वो देता है हम लोग को। कहीं भी आप इंडिया में, इंडिया नॉट इंडिया, वर्ल्ड में कहीं भी आप जाके जो आपका पासवर्ड फिर ईमेल आईडी को जो लगा के आप वो एक्सेस कर सकते हैं, वो क्या है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी हम लोग को कोई कोई जगह पे हम लोग को फ्री में देता है, कोई कोई जगह में हम लोग को कास्ट को क्या है हम लोग को कास्ट पे करके फिर हम हमारा डाटा को सेव करने वाला भी सिचुएशन भी हो जाता है। ठीक है, वो सब कुछ क्या है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी हम लोग को दे देता है। ठीक है, सो बस ये तो ये चीज़ आप लोग को सभी मालूम होना चाहिए। क्यों बोलने से आप दो डाटा सेंटर आप मैनेज करने से क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर क्या है, क्लाउड सर्विस कंपनी में क्या क्या कॉम्पोनेंट है, इसमें ज़्यादा है हम लोग को एक एक हम लोग को डिस्कस करते आएंगे। सो ये वीडियो आपको अच्छा लगने से लाइक कीजिए। ये तो इन्फॉर्मेशन कुछ इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी जो बढ़ते रहने का टाइम में हम लोग को भी सब कुछ हम लोग को सीखना है, नहीं तो फिर हमारा हम लोग को क्या हो जाएगा, हम लोग को क्या है सीख के आना चाहिए यार, नहीं तो हम लोग को भी प्रॉब्लम आ जाएगा वो नॉलेज में। एक दूसरा आदमी पूरा सब कुछ को जो सिखा के आएगा, दूसरा आदमी नहीं आएगा तो फिर उसको प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए जो टेक्नोलॉजी जो कुछ जो नया निकलते आता है वो सब कुछ आप लोग को सीखने के लिए कोशिश कीजिए, आपको लाइफ को वो अच्छा है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने से सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद भी एक बेल आइकन हो जाता है उसको भी दबा दीजिए, दबाने से कोई भी हम लोग को एक वीडियो डालने से आपको तो मिल जाएगा। थैंक यू, आपको कुछ डाउट रहने से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाय बाय।